फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग DCCLEE का जो मॉपअप काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है 8 जनवरी 2022 से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस ब्रांच में कितना सीट बचा है और किस कॉलेज में। जिनका काउंसलिंग 9 जनवरी को है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक वह जरूर देखें, ठीक है। DCCLEE 2021 मॉपअप काउंसलिंग वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग हेल्ड ऑन 8 जनवरी 2022। 8 जनवरी 2022 को काउंसलिंग होने के बाद अब कितना सीट वैकेंट है, किस ब्रांच में और किस कॉलेज में, वो हम लोग देखेंगे। पहला है आपका BKNS GP गोपालगंज, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11 सीट खाली है। इसी में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 1 सीट खाली है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी में कितना सीट वैकेंट है। जैसे हम लोग गोपालगंज में देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपका EVC में सिर्फ 1 सीट खाली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BKP इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 26 खाली है, मैकेनिकल में आपका 4 सीट खाली है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 31 सीट खाली है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपका 3 सीट खाली है। उसके बाद आपका कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अरवल, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 खाली है और मैकेनिकल में 1 खाली है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 14 सीट खाली है और मैकेनिकल में आपका 1 सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांका, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 18 खाली है और मैकेनिकल में 2 सीट खाली है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में देख सकते हैं कि कितना सीट वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भोजपुर, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल में 1 खाली है, बक्सर पॉलिटेक्निक में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 खाली है और मैकेनिकल में आपका 1 सीट खाली है। उसके बाद जमुई पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6 सीट खाली है। उसके बाद कैमूर पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल में 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 22 है और मैकेनिकल में आपका 1 सीट खाली है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज खगड़िया, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल में 2 खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 23 है और मैकेनिकल में जो है वह 2 सीट खाली है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं किशनगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये है, इसके बाद मधेपुरा का है, इसके बाद मुंगेर पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, ये नवादा का है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राघोपुर सुपौल का ये है, ठीक है। अब जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज शेखपुरा का ये है, फिर सीतामढ़ी का है। नेक्स्ट सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, इसका सिवान का ये है, ठीक है। टिकारी गया का ये है, वेस्ट चंपारण पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, अस्थावा नालंदा का है, ये बरौनी पॉलिटेक्निक का है, भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज ये छपरा का है, सीट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देख सकते हैं दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, धेरी अनुसरण का, गया का है, ये गोपालगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज का है। उसके बाद आपका कटिहार का है, लखीसराय पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसके बाद मधुबनी का है, ठीक है। ये सब मधुबनी का ही है, देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर का है, ये GP पटना 7 का है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पूर्णिया, ये सहरसा का पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये शिवहर या वैशाली पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये समस्तीपुर का है, ठीक है। नेक्स्ट NGP पटना 13, इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का 4 सीट खाली है, मैकेनिकल का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 1 सीट खाली है और मैकेनिकल में आपका 1 सीट खाली है, ठीक है। टोटल सीट जो आपका अभी भी सीट वैकेंट है वह 714 सीट वैकेंट है, जिनका काउंसलिंग जो है 9 जनवरी से है, ठीक है। आप इसी तरह कैटेगोरी में देख सकते हैं 306 जो है जनरल कैटेगोरी में सीट खाली है। आप अपने कैटेगोरी के हिसाब से देख सकते हैं कितना सीट वैकेंट है। इसी प्रकार दो टो है आपका वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें देख सकते हैं गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर का ये है और गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 14 का है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है 123 सीट अभी वैकेंट है, जिसमें जनरल का 58 सीट है। आप कैटेगोरी वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल आपका गवर्नमेंट का हो गया, और इसके बाद यह पॉलिटेक्निक कॉलेज का है या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज का, जो आप देख सकते हैं प्राइवेट में भी सीट आपका वैकेंट ही है, ठीक है। टोटल जो आपका 1350 सीट जो है वह भी प्राइवेट कॉलेज में वैकेंट है, ठीक है। अगर टोटल अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला दिया जाए तो 2000 सीट अभी आपका खाली है, 2187 सीट जो है अभी टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेज में खाली है बिहार का, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।